यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। और गाइस, आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग को अच्छे से पता है कि हमने कुछ क्लासेस पहले फंक्शंस को पढ़ा था। और गाइस, फंक्शंस में हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था गाइस, वो था वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, दैट इज वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है गाइस, ये लेकिन कंसेप्ट जो गाइस ये था वन वेरिएबल का। बट गाइस, आज हम लोग पढ़ रहे हैं अपनी क्लास के अंदर सेवरल वेरिएबल्स। बेटा, सेवरल वेरिएबल्स का मतलब जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो गाइस होता है कि वन वेरिएबल नहीं है, मतलब टू वेरिएबल हो सकता है, थ्री वेरिएबल हो सकता है, या फिर एन वेरिएबल्स हो सकता है। समझ रहे मेरी बात को? यानी हमारे पास जो वेरिएबल्स हो सकते हैं वो एक से ज्यादा होंगे। लेकिन गाइस, अभी की क्लास में हम लोग ज्यादा वेरिएबल्स की बात नहीं करेंगे, हम लोग गाइस यहाँ पे बात करेंगे ओनली टू वेरिएबल्स की। ठीक है, थ्री फोर फाइव या एन वेरिएबल्स गाइस, वो भी हमारे आगे का डिस्कशन का पार्ट है। फिलहाल गाइस, हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे टू वेरिएबल्स की। बेटा, अगर आपने फंक्शंस की वन वेरिएबल वाली क्लासेस को अच्छे से देखा हुआ है या फिर उन कंसेप्ट्स को आपने पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, तो गाइस आपको एक आइडिया लग गया होगा कि वहां पर भी एक डेफिनेशन थी, ठीक है, जो बिल्कुल सेम है इस वाली डेफिनेशन से। आई रिपीट, ये दोनों स्टेटमेंट गाइस सेम है, बस यहाँ पे फर्क क्या आ गया, वहां बात करते थे हम लोग वन वेरिएबल की, यहाँ बात कर रहे हैं टू वेरिएबल्स की। ठीक है, लेकिन गाइस देखो, यहाँ वेरिएबल्स का चेंजेस आ जाते हैं, तो गाइस यहाँ पे मल्टीपल चेंजेस फिर आगे कैलकुलेशन बेसिस में, मेथड बेसिस में आते जाएंगे। ठीक है, वो आप साथ साथ सीखते जाइएगा। नाउ गाइस, गाइस इसकी डेफिनेशन हम लोग एक बार स्टडी कर लेते हैं कि भाई डेफिनेशन क्या है इसकी। तो गाइस, डेफिनेशन इसकी सेम वही है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। समझ लो, फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। वेरिएबल में हम लोग बात करेंगे एक्स एंड वाई की, इज अ रूल दैट असाइंस अ यूनिक रियल नंबर एफ एक्स वाई टू ईच पॉइंट एक्स वाई इन सम सेट डी, डी टू नॉट फॉर डोमेन इन एक्स वाई प्लेन। गाइस, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है हमारी वन वेरिएबल फंक्शंस की। एंड गाइस, अगर आपको याद हो तो हम लोग वहां पर दो वर्ड्स की बात करते थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गाइस, यहां पर भी हम उन्हीं दो वर्ड की बात करेंगे। वो दो वर्ड्स हैं गाइस, एक है यूनिक और एक है बेटा ईच। समझ लो, एक वर्ड है बेटा यहाँ पे यूनिक और एक वर्ड है बेटा यहाँ पे ईच। देखो, अगर आपको याद हो वन वेरिएबल वाला कंसेप्ट, तो हम लोग कुछ ऐसी बातें करते थे वहां पर, ये कुछ ऐसे कंसेप्ट बनाते थे, ओवल स्टेप बनाते थे, ये ए होता था, ये बी, मतलब ये हमारा डोमेन और ये हमारा रेंज, हम लोग इधर इसको इससे ज्वाइन करते थे। तो हम लोग ये बोलते थे कि जो हमारा ए और बी के कनेक्टिविटी वो है, वो ईच और यूनिक एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए। ठीक है बेटा, वहाँ पे गाइस हम लोगों ने बहुत डिटेल डिस्कशन किया था, सेम डेफिनेशन बेटा यहाँ पर इसकी है। ठीक है, नाउ गाइस आगे बात करते हैं। बेटा, फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स या फिर जो भी कंसेप्ट हमें अभी डिस्कस करने वाले हैं या जो पढ़ेंगे गाइस, देखो उसके ना दो पिक्चर्स हैं गाइस। ठीक है, उसके गाइस यहाँ पे दो पिक्चर्स हैं। एक पिक्चर वो जिसमें आप सिर्फ कैलकुलेशन पर ध्यान दोगे, ठीक है, मैथमेटिकल व्यू, समझ रहे हो गाइस, एक है इसका मैथमेटिकल पिक्चर और एक है गाइस इसका इकोनॉमिक्स पिक्चर। ठीक है, इकोनॉमिक्स व्यू। तो गाइस हमें दोनों व्यूज की तरफ ध्यान देना है, मैथमेटिक्स व्यू पे गाइस हम लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देना है और गाइस इकोनॉमिक्स व्यू पे भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। सो गाइस, आई एम वेरी वेरी इंटरेस्टेड नाउ कि मैं अभी आपसे इकोनॉमिक व्यू के बारे में डिस्कशन कर लूँ कि वो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, वो कौन कौन से प्रेफरेंसेज होते हैं या कौन कौन से वो टाइप्स होते हैं जिन इकोनॉमिक्स में ये वाला सेवरल वेरिएबल का कंसेप्ट ऐड हो जाता है। यानी गाइस, आप में से बहुत 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 सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करने को मिलती है कि इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे अप्लाई होता है, हम इस बात को लेकर बहुत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। बेटा यस, बहुत बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। तो गाइस, मैं सबसे पहले इकोनॉमिक डिस्कस ही कर रहा हूँ आप लोगों से यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो अब हम थोड़ा सा इकोनॉमिक व्यू देख लेते हैं। ठीक है, हम उन फंक्शंस की बात कर लेते हैं जो इकोनॉमिक थ्योरी में अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो एक काम करता हूँ मैं, पहले तो इसको हटा देता हूँ, सीधे सीधे हम इकोनॉमिक, हम एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बेटा लिखिएगा यहाँ पे फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, सेवरल वेरिएबल्स इन इकोनॉमिक थ्योरी, इन
इकोनॉमिक थ्योरी। ठीक है, इन इकोनॉमिक थ्योरी। नाउ गाइस, जरा ध्यान से समझिएगा। देखो बहुत बहुत बेसिक तरीके से समझना चीज़ों को, बहुत ज़्यादा बेसिक। यानी गाइस सिर्फ आपको अगर नाम भी समझ ले तो वो भी काफ़ी है। यानी वो फंक्शन जहाँ पे हमारी फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स का कंसेप्ट इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहली चीज़ है गाइस यहाँ पर, दैट इज़ डिमांड फंक्शन। ठीक है, डिमांड फंक्शन मतलब डिमांड फंक्शन द फर्स्ट मोस्ट इकोनॉमिक फंक्शन जहाँ पे हमारा सेवरल वेरिएबल का कंसेप्ट अप्लाई किया जाता है। यानी गाइस देखो सीधे सीधे कंसेप्ट हमारे सामने यहाँ पर ही आ जाता है कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक डिमांड है किसी भी कमोडिटी की। मान लो ये एक एक करके बात करते हैं, जैसे कि एग्जांपल हमारी एक यूटिलिटी है। ठीक है, यूटिलिटी दैट इज इक्वल्स टू यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। जस्ट हम लोग मान लेते हैं कि देर इज अ टू गुड्स इकोनॉमी। ठीक है, तो एक्स और वाई, और एक्स और वाई की वजह से हमारी एक यूटिलिटी डिसाइड होगी। ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट गाइज हम लोग डिमांड निकालेंगे एक्स की। तो गाइज ये जो एक्स की डिमांड होगी, दिस इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, दिस इज अ फंक्शन ऑफ प्राइजिस वट एवर द भाई। जस्ट एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूँ तो ये फंक्शन होगा जस्ट एग्जांपल ओनली प्राइस का, P1 P2 P3 तब होगा जब गाइस हमारे बहुत सारे गुड्स होंगे। अगर हमने मान लिया कि देर आर टू गुड्स तो हम बोलेंगे P1। ठीक है, एंड साथ साथ इनकम। समझ रहे मेरी बात को गाइस? तो इसे हम बोलते हैं फंक्शंस ऑफ टू या फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। अब समझना, सेवरल वेरिएबल में हम लोग यहाँ पे टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, इजी से बात थी। सेकेंड बेटा यहाँ पे सप्लाई फंक्शन। अब सप्लाई फंक्शन में क्या होता है गाइस? बहुत इजी सी बात है गाइस, मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा चीज़ों को, बहुत बेसिक तरीके से समझेंगे हम लोग चीज़ों को गाइस। सीधे सीधे कंसेप्ट होता है कि हमारे सामने सप्लाई होती है, यानी हमें कह सकते हैं कि किसी भी प्रोड्यूसर की जो सप्लाई होती है वो क्या होती है गाइस? देखो कुछ कुछ ऐसी ऐसी बात करते हैं कि किसी भी प्रोड्यूसर की कमोडिटी का जो सप्लाई होता है वो फंक्शन होता है मल्टीपल वेरिएबल्स का। एक तो प्राइजेस ऑफ द गुड, ये तो मान ही लेते हैं हम लोग। ठीक है, एंड साथ साथ गाइस प्राइजेस ऑफ द अदर गुड्स आर ऑल्सो मेन रीजन ऑफ द सप्लाई ऑफ एनी कमोडिटी। ठीक है, एंड गाइस आप और भी बातें कर सकते हो, जैसे एग्जांपल टैक्सेस का इशू भी ले सकते हो, गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट की बात कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर सकते हो। यहाँ पे गाइस हम दो दो ही या तीन ही वेरिएबल लेकर चलेंगे। ठीक है बेटा, चाहो तो आप यहाँ पे ये हटा सकते हो अगर टू वेरिएबल्स की बात होती है, यानी एक खुद का प्राइस और टैक्सेशन। गाइज ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं चीज़ों को। ठीक है बेटा, सिमिलरली अच्छा सप्लाई फंक्शन के साथ साथ आप ये मान के चल सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन भी होता है। ठीक है, सप्लाई फंक्शन के साथ साथ बेटा यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन भी होता है। प्रोडक्शन फंक्शन इज व्हाट? प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है भाई? सीधे सीधे बात करते हैं, क्या हमें मान लो प्रोडक्शन करनी है, हमें ये हमें वाई आउटपुट प्रोड्यूस करना है, तो वो जो वाई आउटपुट प्रोड्यूस होगा, सो दैट इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। समझ रहे मेरी बात को? कैपिटल एंड लेबर, कैपिटल लेबर का जो कॉम्बिनेशन होगा उसके अकॉर्डिंगली गाइज हम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर गाइज? यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो गाइज बहुत बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो हमारा इकोनॉमिक वाले एरियाज में ये सब चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है बेटा, एंड जस्ट जस्ट और अगर चाहो तो गाइज और चीज़ों को ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे इसको ही थर्ड बोल दो, फिर इसको हम फोर्थ बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल कॉस्ट फंक्शन। अब कॉस्ट फंक्शन क्या होता है गाइस? देखो वैसे तो गाइस आप इकोनॉमिक्स वाले एरिया एरिया में जब जाओगे तो गाइस इकोनॉमिक्स में भी आप काफी सारी चीजें सीखोगे। ठीक है गाइस, हम यहाँ तो बस इकोनॉमिक्स का मैथमेटिकल व्यू लेकर आ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्शन फर्म में कमोडिटी की जो कॉस्ट होती है वो फंक्शन होता है मल्टीपल वेरिएबल्स का। जैसे जैसे इनपुट्स हो गए। ठीक है, अब देखो जैसे कि प्रोडक्शन में ही इन इनपुट्स की इन्वॉल्वमेंट है, तो गाइस कॉस्ट में भी इन इनपुट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी। यानी कैपिटल लेबर इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट का फंक्शन होगा। अब आप बोलोगे सर कैपिटल लेबर कैसे? बेटा कैपिटल का रेंट होगा, लेबर का वेज होगा। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल के नाम पर उसका इस्तेमाल जैसे हम कर रहे हैं लेबर के नाम पर, और लेबर आवर्स, लेबर कितने आवर्स काम कर रही है। ठीक है, नाउ गाइस ऐसे हमारे सामने एक और फंक्शन अगर हम लोग यहाँ पे ले आते हैं, दैट इज
ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन। कई ये कुछ फंक्शंस होते हैं हमारे, यही नॉर्मल फंक्शंस होते हैं हम जिनको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ठीक है बेटा, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। यानी यानी गाइज अगर हमारे पास मान लो जैसे एग्जांपल एडवांस लेवल पे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो गई, ठीक है, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो गई, इनपुट्स इन्वॉल्व हो गए, मल्टीपल वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो गए, तो हम कुछ ऐसा फंक्शन जनरेट करते हैं, कुछ ऐसा फंक्शन जनरेट करते हैं कि उसको एक साथ लेने पर, एक साथ रखने पर उसका जो इज इक्वल टू आता है वो जीरो आता है। ये गाइस कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं, वो गाइस आप आगे चलकर सीखोगे, ठीक है। बेसिकली अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास चार पांच फंक्शंस हैं जो इकोनॉमिक थ्योरी पर बेस्ड हैं, ठीक है, और लेकिन उनका गाइस मैथमेटिकल व्यू आप यहाँ पे स्टडी करोगे। क्लियर गाइस? नाउ गाइस अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकली कंसेप्ट्स में। तो गाइस मैथमेटिक्स के नाम पर यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, तो आप गाइस यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कर दीजिए मेरे साथ में, ठीक है बेटा। चलिए जी, सो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर। सो क्वेश्चन है हमारे सामने बेटा यहाँ पर, दैट इज फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है गाइज। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये पेपर पे, ये क्वेश्चन में गाइज आपका पास पेपर में से है, ठीक है, तो जरा ये चीज समझेगा। अच्छा उसमें एक चीज और बोलते हैं, ऑल्सो फंक्शन के बाद में लिखा हुआ है, ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ डोमेन इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। बेसिक सी बात है बेटा, हमारे को ये प्रेफरेंस देंगे, हम वो पहले प्रेफरेंस लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बेटा यहाँ पे बात करेंगे। प्रेफरेंस है बेटा हमारे सामने, फंक्शन है बेसिकली दैट इज 3x² √y -1, ठीक है बेटा। तो गाइस एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन गाइस हमारे सामने ये आ गया, बहुत बेसिक सी बात है, उन्होंने सीधे सीधे हमसे डोमेन बोला है। देखो बेटा जो व्यूज हमारा 1 वेरिएबल में था वही व्यू बेटा हमारे यहाँ पे सेवरल वेरिएबल्स में रहेगा। आई रिपीट, जो मेथड, जो कंसेप्ट हम लोग वहाँ अप्लाई करते थे 1 वेरिएबल्स में, 1 वेरिएबल में वही कंसेप्ट, वही मेथड बेटा हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे इन सेवरल वेरिएबल्स यानी 2 वेरिएबल्स। अब एक बात, मुझे एक बात बताओ, छोटी सी एक बात बताओ, जैसे आपके सामने बेटा ये फंक्शन है x² √y, यहाँ पे अगर हम लोग डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन के नाम पर बेटा हमें बात करनी है यहाँ पे एक्स वाई इन दोनों की, ये एक्स वाई दोनों का इस डोमेन होगा, और जब हम लोग ये फंक्शन में रख देंगे तो गाइज वो रेंज बन जाएगा। गॉट इट? समझ लो, अब यहाँ पे वाई रेंज नहीं है, यहाँ पे पूरा फंक्शन ही रेंज है, ठीक है, तो ये सब चीज ध्यान रखना। तो गाइज अब मुझे बताओ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें रेस्ट्रिक्शन की, तो रेस्ट्रिक्शन के नाम पे आपको क्या दिख रहा है? रेस्ट्रिक्शन के नाम को नाम पे गाइज आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिख रही है कि जो यहाँ पे जो वाई है ये वीकली पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि गाइज वो रूट में, इसके अलावा आपको कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं दिख रही। जस्ट आपको पता है कि मैं कौन से रेस्ट्रिक्शंस की बात कर रहा हूँ, यानी हम लोग गाइज जब 1 वेरिएबल पढ़ते थे तो हम लोग कहते थे कि भाई फंक्शन रूट में होना, रूट में है, 1/1 में है, मान लो ये है, या फिर 1/1 में √x है, या फिर ऐसे है, समझ रहे हो, या फिर log x है, ठीक है, जस्ट इस टाइप के फंक्शन की हम लोग बात करा करते थे कि जो व्यूज हमारे वहां पर थे वही व्यू गाइस हमारे यहाँ पर है। रूट वाई है तो वाई हमारा वीकली पॉजिटिव होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नाम की चीज नहीं है। सो वाई गाइस वीकली पॉजिटिव होना चाहिए एंड एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, समझ रहे हो मेरी बात को, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। तो गाइस इन्हें हम बोलेंगे हमारे डोमेन्स, ठीक है। तो गाइस ये हमारे बेसिकली डोमेन हो गए। मैं गाइस इनको एक बार थोड़ा सा अच्छा ठीक करके और लिख देता हूँ, दैट इज द फंक्शन एफ x, y इज इक्वल्स टू 3x² √y -1, -1 का अलग है, इज डिफाइंड इफ इफ y इज वीकली पॉजिटिव एंड x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। नाउ गाइस जब हम लोग बात करते हैं डोमेन की, डोमेन ऑफ फंक्शन की बात करते बेटा हम लोग यहाँ पे, जब
तो डोमिनो फंक्शन के नाम पे बेटा क्या हो जाता है, जरा ध्यान से समझिएगा लिखने का तरीका। डोमिनो फंक्शन गाइस, दैट इज एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है सर व्हाट डू मीन बाय आर स्क्वायर। बेटा इट्स टू डायमेंशनल, ठीक है। पहले हम लोग लिखते थे एक, जैसे अब अभी चीज देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे मैंने स्क्वायर तो नहीं लगाया क्योंकि मैं यहाँ पे अकेले आर एक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे बात करते हुए इट्स वन डायमेंशनल, लेकिन जब मैं एक्स वाई दोनों को ले आऊंगा तो गाइस तो यहाँ पे टू डायमेंशनल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम आर स्क्वायर बोलेंगे, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर यानी रियल नंबर्स एंड वाई बिलोंग्स वाई इज ऑल ऑल पॉजिटिव वैल्यूज इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है बेटा। तो दिस इज बेसिकली डोमेन। गाइस यहाँ तक की मेरी बात आपको समझ में आ गई। गाइस बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड गाइस बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या रहने वाली होगी कि हम लोग ट्राई करेंगे कि जितना इजीएस्ट मेथड हो सकता है उतने इजीएस्ट मेथड में गाइस हम लोग डिस्कशन करें। अदरवाइज इनके कॉम्प्लिकेट मेथड्स भी अवेलेबल हैं। इनफैक्ट जो आप बुक्स फॉलो करते हो, ये जैसे जैसे हमारी एक बुक बोली जाती है सिलेस्टर हेमेंट, ठीक है, जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में रीडिंग्स के नाम पर भी है गाइस, ठीक है, रीडिंग्स भी है। गाइस वो इतनी इतनी मतलब कॉम्प्लिकेट बुक है कि पहली बात तो उसको इतना ज़्यादा हवा टाइप बना रखा है, आप कहीं से बोलो कि आप कहीं से पूछो कि इकोनॉमिक्स की मैथमेटिक्स पढ़नी है तो हर कोई बोलेगा सिलेस्टर हेमेंट्स। एंड गाइस अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो उसमें से क्वेश्चंस नहीं आते, ये कन्फर्म है, यानी लेवल अलग ही होता है। इनफैक्ट वहाँ से क्वेश्चन का आने का मतलब ये हो जाता है कि वहाँ से सिर्फ वही क्वेश्चन आएगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा, यानी जो क्वेश्चन आप छोड़ के जाओगे एग्जाम के लिए कि यार ये छोड़ो ना ये नहीं आ सकता, वही वहाँ से उठ के आएगा। अदरवाइज कई अदर बुक्स होती है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे आरिस भारद्वाज हो गई, अल्फा चियांग हो गई, ठीक है, साइमन एंड ब्लूम हो गई, ठीक है गाइज, मल्टीपल बुक्स हैं जो गाइज एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। हम लोग गाइज हम क्या करेंगे, हम उन्हीं बुक से क्वेश्चन उठा रहे हैं। हमारा मेन टारगेट इतना था कि हमें पहले कंसेप्ट समझना है, जो जितने कंसेप्ट की वेटेज है गाइज वेटेज का ध्यान रखना है। अब एक ही ध्यान दो, मैंने यहाँ पे फंक्शन और सेवरल वेरिएबल्स में सिर्फ इतनी सी बात करके आगे सीधे सीधे आगे की बात करने लगा था मैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो इसके बाद मैंने सीधा क्वेश्चन कराया वो, ये तो गाइज मैंने जस्ट ऐसे ही बता दिया आपको इकोनॉमिक थ्योरी का, ये हमारा एक अलग कंसेप्ट है। लेकिन अगर आप एक बार ध्यान से देखें तो इसी मैंने इतनी सी डेफिनेशन डिस्कस करके जस्ट आगे क्वेश्चन की बात कर ली। क्यों गाइज, क्योंकि क्यों गाइज, इसलिए क्योंकि यहाँ पे सेवरल वेरिएबल्स के बारे में इतना जानना इज मोर देन इनफ। हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि सेवरल वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है एंड उसके न्यूमेरिकल्स को हम लोग कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। अदरवाइज गाइज अगर आप देखें तो इस पर बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं सेवरल वेरिएबल्स पर, तो गाइज हमें किसी बुक को याद नहीं करना बैठ कर, ठीक है, बुक में महारत हासिल नहीं करनी, हमें टू द पॉइंट अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाँ गाइज, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब गाइज बात आती है ग्राफ की, तो ग्राफ में जस्ट कुछ व्यू रखो आप, जरा ध्यान से देखो, ध्यान रखना बेटा जो ग्राफ बनेगा वो इस स्टेटमेंट पर बेस्ड होगा। जो आप ग्राफ बनाओगे ना बेटा वो इस स्टेटमेंट पर बेस्ड होगा कि आपने डोमेन को क्या क्या डिफाइन कर रहे हो। डोमेन का मतलब ही हो गया ग्राफ, मतलब ग्राफ की कनेक्टिविटी का इसी डोमेन से एक्सप्लेन हो रही है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ ग्राफ की, अगर मैंने यहाँ बात करी आपसे जस्ट ग्राफ की, तो ग्राफ के हिसाब से शायद ये ऐसा होगा। देखो ऐसा ऐसा समझना, पहली बात तो कहते हैं वाई का पॉजिटिव, समझ रहे हो, वाई का पॉजिटिव एरिया। और वाई का पॉजिटिव एरिया कौन सा होगा, वाई का पॉजिटिव एरिया, वाई का पॉजिटिव एरिया होगा ये वाला रीजन। क्लियर, मतलब जो भी चीज़ हो वो ओरिजिन के ऊपर हो, समझ रहे हो, एक बात हो गई। दूसरी चीज़ वो कहते हैं x belongs to all real numbers, either positive or negative, समझ रहे हो। तो एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया, कोई भी हो सकता है, और हमारा y पॉजिटिव होना चाहिए, वीकली पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब बेटा ये जो रीजन है ना, जो मैं रीजन बना रहा हूँ ये वाला, यहाँ से इंक्लूडिंग दैट बाउंड्री, इंक्लूडिंग दैट रीजन, ठीक है गाइस, ये चीज़ आप चाहो तो बना सकते हो। और गाइज ये बाउंड्री इंक्लूड होनी चाहिए, चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो गाइज दिस इज द रीजन, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि भाई दिस इज द फीजिबल रीजन जहाँ पे हमारा डोमेन डिफाइन हो रहा है। अब देख लो चाहे एक्स की दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, एंड गाइज पॉजिटिव नेगेटिव तो गाइज जीरो भी सेटिस्फाई करेगा ही, इसलिए मैंने एक्स को टच कर दिया। साथ साथ गाइज हमारी वाई वाली वैल्यू भी सेटिस्फाई कर रही है ये वाली वैल्यू, ठीक है। होप सो गाइज मेरी ये बात आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गई होगी। क्लियर गाइज, नाउ आगे बात करते हैं बेटा हम लोग, यहाँ पर जरा ध्यान से समझिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली। क्वेश्चन नंबर टू इज बेसिकली सेम है गाइस, देखो
ये चीज सेम रहेगी, ये वाली चीज आपके सेम रहेगी क्वेश्चंस की, मैं बस ये पार्ट्स बदलता जाऊंगा, ठीक है? तो पार्ट टू ही बोल दो आप इसको, ठीक है जी? नाउ सो एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू, एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस का वन, ठीक है, प्लस रूट वाई। देखो तो बेटा बात उतनी सी है कि आपको इसके डोमेन निकालना है और इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है? बात उतनी ही है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होता है कि आपको बस इसके रेस्ट्रिक्शंस देखने हैं। बहुत इजी मेथड बेटा मैं आपके लिए यूज कर रहा हूँ, कॉम्प्लिकेट नहीं करना चीज़ों को। क्या करना है जी आपको बेटा, आपको इनके रेस्ट्रिक्शन देखने हैं कि कहाँ पे वो चीज़ें आपको दिख रही हैं, मतलब कहाँ पे वायलेशन हो रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको छोटी सी बात करता हूँ, पहले तो वही लिख लेंगे हम लोग, द फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस का वन प्लस का रूट वाई इज डिफाइंड इफ। अब देखो लिखने का तरीका, एक्स माइनस वाई हमारा वीकली पॉजिटिव होना चाहिए एंड वाई हमारा वीकली पॉजिटिव होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को इधर बहुत अच्छे से? क्या मैंने बोला? एक्स माइनस वन वीकली पॉजिटिव होना चाहिए एंड वाई वीकली पॉजिटिव होना चाहिए। रीजन बिहाइंड, क्योंकि गाइस ये जो चीजें गाइस ये सारी न्यूमरेटर में, समझ लो गाइस एक एक करके चीजें देखेंगे न्यूमरेटर में, यानी लिखने का तरीका। और इसको ऐसे भी हो जाएगा, एक्स इज वीकली पॉजिटिव वन एंड वाई इज नो डाउट वीकली पॉजिटिव जीरो, ठीक है बेटा? अब देखो डोमेन की अगर हम बात करते हैं, डोमेन ऑफ एफ, तो डोमेन ऑफ एफ क्या होगा? तो गाइस लिखने का तरीके में ये तो चीज ऐसी आएगी, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट। अब देखो एक्स इज वीकली वीकली मोर देन वन, ठीक है, एंड वाई इज वीकली पॉजिटिव। लॉजिक क्लियर? कैसे समझो कितना इजी कर दिया हमने चीजों को, कॉम्प्लिकेट नहीं करना गाइस। जो क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेट वाले होंगे वहां पे हम वहां पे अपना दिमाग उसी तरीके से हम लोग लगेंगे, ठीक है? सो गाइस डोमेन ही बस इतना सा होगा। अगर ये गाइस आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में आता है तो सब्जेक्टिव में भी ये लिखना है, ऑब्जेक्टिव में तो और छोटा सा होगा, बस वो इतनी सी बात करेंगे, ठीक है? हाँ गाइस, अब देखो इसका ना एक ग्राफिकल व्यू भी है जैसे कि आप लोग जानते हैं, एंड इनफैक्ट गाइस ग्राफिकल व्यू आपको आपके आंसर की फ्रेमिंग और अच्छे से करवाता है। देखो ग्राफिकल व्यू देखना आप इसका, ग्राफ में आप कैसी बात कर सकते हो। कंसेप्ट तो इतना सा है कि हमें एक्स को वन के साथ रखना है, समझ लो, इधर एक्स की कनेक्टिविटी वन से और वाई की कनेक्टिविटी जीरो से, एंड एक्स हमारा गाइस जैसा वो कहते हैं वन। तो एक बार बताओ कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, सो दिस इज 1,0, गॉट इट? ये वाला पॉइंट हो गया, एंड एक तो ये हो गया, ठीक है, चलो ये बात हमने रख ली। दूसरा वो कहते हैं वाई इज पॉजिटिव। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोग एक तो अगर आप वाई के सेंस की बात करें तो एक तो गाइस हम लोग ये वाला अपर रीजन की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो? हम ये वाले रीजन की बात कर रहे हैं, इसके आने वाला कोई भी रीजन हो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसके ऊपर का रीजन होना चाहिए गाइस। ये तो बात हो गई वाई की, लेकिन जहां बात आती है एक्स की, तो एक्स कहता है कि वन से ज्यादा हो, तो वन से ज्यादा होने का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स के हिसाब से ये रीजन, देखो समझिएगा गाइस, एक्स के हिसाब से ये रीजन। मैं जानबूझ के ऐसे बना रहा हूँ, कलर्स इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे, क्या एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो गई, समझ रहे मेरी बात को? इधर वाई पॉजिटिव होना चाहिए एंड एक्स वन से ज्यादा होना चाहिए। अब मुझे ये बताओ कौन से एरिया वो है जो डबल कलर का है? ऑब्वियस ही बात है ये वाला रीजन, समझ में बेटा मेरी बात आपको, क्लियर? ये बड़ा कर दिया जी हमने इसको, क्लियर बेटा? कितना अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया से आसान क्वेश्चन है, मतलब ऐसे भी नहीं कि बहुत टफ हो, है ना? तो भाई देखो हमारा काम बस इतना सही है गाइस, बस मैं ये चाहता हूँ कि आपके लिए चीजें जितना आसान हो सकता है उतनी आसान कर दूँ, कॉम्प्लिकेट करना नहीं है हमें गाइस चीजों को, ठीक है? एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, दैट इज वही वाला गाइस, इसका थर्ड पार्ट, दैट इज एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू टू अपॉन में रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4 प्लस रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कंसेप्चुअली किधर समझना। अब आप बोलो सही तो बहुत टफ क्वेश्चन है, और मैं कहूँगा इससे आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं है। क्या जी, क्यों नहीं है जी? देखो हमें तो क्या करना है जी, हमें सिर्फ ध्यान रखना है रेस्ट्रिक्शंस का, हमें ध्यान रखना है मेरे बच्चा सिर्फ और सिर्फ रेस्ट्रिक्शंस का। अब बोलो सर कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन, तो ज़रा देख लो। जस्ट ये तो बात आपको बताएं कि जो फंक्शन होता है हमारा, जो फंक्शन एफ एफ एक्स वाई इज डिफाइंड इफ। अब देखो कैसे, पहले जो डिनोमिनेटर में इसकी बात कर लेते हैं, देखो अब आप इसके रेस्ट्रिक्शन देखो, एक तो ये रूट में है, एक तो बात है कि रूट में, और मजे की बात कि डिनोमिनेटर में है, तो दोनों बातें आ जाएंगी क्या। एक एक तो ये पॉजिटिव होना चाहिए और स्ट्रिक्टली होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि रूट में, स्ट्रिक्टली होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज मोर देन 4। क्लियर? नाउ अगर जरा मैं इसकी बात कर लेता हूँ आप लोगों से, 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो जरा यहाँ पे ये क्या है जी, ये है तो रूट में लेकिन डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे वीकली साइन रखेंगे हम लोग, समझ लो गाइस। स्ट्रिक्टली और वीकली कहाँ पर आता है, डिनोमिनेटर की साइड में, डिनोमिनेटर की कभी वैल्यू इक्वल टू जीरो नहीं हो सकती, इसलिए जब भी हम उसे जीरो से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर स्ट्रिक्टली लगाएंगे। ठीक है, अब जरा इस चीज को ऐसे समझो, दैट इज 9 इज वीकली मोर देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, 9 इज वीकली मोर देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बेटा अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देते हो, लेट सपोज इफ यू कंबाइन बोथ दीज इक्वेशन, तो वट विल गेट, जैसे ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज मोर देन 4 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 9। क्लियर गाइज, मेरे यहाँ पे आपको मेरी बात समझ में आ गई। देखो कितना ईजी वे में हम लोग बात कर रहे हैं, बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करते हैं बेटा डोमेन की, तो डोमेन इसका कुछ ऐसे हो जाएगा, दैट इज एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज वीकली लेस देन 9 बट मोर देन 4। सो एज दिस इज द आंसर फॉर डोमेन। क्लियर गाइस, देखो कितना इजी हो गया, इतने इजीएस्ट वे। अब बात आती है इसके डायग्राम की, अगर इसका डायग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं जस्ट आपको एक बात बताना चाहूंगा। डायग्राम में ना आप हमें दोनों चीजें बात करनी पड़ेंगी। अगर आप एक चीज ध्यान से देखें, हमारे सामने दो इक्वेशंस हैं, वी हैव टू इक्वेशंस, कौन कौन से मेरे बच्चा गाइस। सबसे पहले इक्वेशन हमारे सामने है, देखो अगर ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं, तो ग्राफ का कंसेप्ट इससे अलग है थोड़ा सा, मतलब अलग इन सेंस उसके जरा अलग से बात समझो। हमारे पास अब दो इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज मोर देन 4। एक काम करते हैं, जस्ट समझना, मैं हाइपोथेटिकली पहले मैं जानबूझ के इसको इक्वल्स टू 4 रख रहा हूँ। ठीक है, जरा समझना गाइस, और इक्वल्स टू 4 रख रहा हूँ। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 रख रहा हूँ। अब अगर आपको एक बात समझ में आ रही हो, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद अ सेंटर ऑफ ओरिजिन एंड रेडियस इज 2। ठीक है, इस ये इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है एंड जो रेडियस है वो 2 है, प्लस माइनस 2 होता है, बट हम प्लस ऑब्वियसली बात है प्लस का 2 ही सेटिस्फाई होता है। दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जिसका सेंटर ऑब्वियसली बात है ओरिजिन है एंड रेडियस 3 है। अब देखो अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, तो गाइस ऑब्वियसली बात है एक तो डायग्राम बनाना, फिर हमें शेड करना, तो एक काम करते हैं, मैं आपके लिए पहले अलग अलग बना लेता हूँ। पहले एक बार ये बनाता हूँ मैं, दो रेडियस का डायग्राम, ठीक है, जिसका रेडियस 2 है, जिसका रेडियस 2 है। तो अब गाइस पहले मुझे बनाने दो, ठीक है, पहले मुझे बनाने दो, अभी अभी नोटिंग मत करना, हम इसके बाद की बात करेंगे। ठीक है, और एक मैं बना देता हूँ यहाँ पर 3 रेडियस का, मान लो मैंने 3 रेडियस का बना दिया। अब ये वाला रेडियस ये है और ये वाला 3 रेडियस का हो गया। अब जरा एक बात ये चीज समझना, जरा पहले इसी चीज को समझना कि अगर मैं इन इक्वालिटी की तरफ जाता हूँ, अगर मैं इन इक्वालिटी की तरफ जाता हूँ, सो
दिस इज मोर देन, दिस इज मोर देन। अब देखो मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं, ये मोर देन है, समझ रहे हो, ये मोर देन है, स्ट्रिक्टली मोर देन है। तो पहली बात तो ये जो मैंने सर्कल बनाया है, ये सर्कल बनेगा डॉट डॉट वाला, क्लियर गाइस। ये कौन सा सर्कल बनेगा, ये सर्कल बनेगा डॉट वाला। अब आप लोग सर ऐसा क्यों कर दिया आपने, बना के कर दिया, यस गाइस ये बनेगा डॉट डॉट वाला सर्कल, मैंने पहले से जानबूझ के पहले नॉर्मल बनाया समझाने के लिए, बनाना आपको मुझे इक्वल टू वाले की तरह है, लेकिन आफ्टर दैट ये देखना है कि वो क्या वो एक्चुअल में इक्वल टू है, नहीं था, हमने अपनी चीज बनाया था, ठीक है। तो इसलिए गाइस वहां पे क्या आ जाएंगे, डॉट डॉट, ये सेंटर हमारा टू वाला सेंटर, ठीक है। अब मुझे बताओ वो कहते हैं कि ये जो वैल्यू है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मोर, अगर आप एक्स और वाई को जीरो जीरो भी रखते हो, मान लो ये हमारा सेंटर है, ये हमारा मान लो गाइस ये हमारा सेंटर है, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल, और आप अगर एक्स वाई को जीरो जीरो भी रखते हो, तो जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो 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 इज मोर देन फोर, जीरो मोर देन फोर, क्या ट्रू फॉल्स है, फॉल्स। अगर गाइस ये फॉल्स है तो डायग्राम के आउटर एरिया हम लोग शेड करेंगे, आपको ये बात को पता होगी कि जब फॉल्स होता है तो हम डायग्राम के आउटर एरिया को जो है शेड करते हैं, ट्रू होता है तो इनर एरिया में, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे शेड होगा, अब जरा इधर आ जाओ सेकेंड वाले डायग्राम में, गाइस इसका रेडियस टू है। हाँ इसमें ऐसे ही बनाऊंगा क्योंकि इसको जब बना रहा था तो मुझे दिखा था कि यहाँ पे इक्वल टू भी है, तो इक्वल टू नाइन लिखना, नाइन लिखा, ये कोई गलती नहीं है, सही है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है जी, ये तीन सेंटर है जी। अब देख लेते हम लोग, मतलब सॉरी रेडियस तीन है और सेंटर ओरिजिन है। अब यहाँ पे देखो, इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू नाइन, इक्वल टू पे तो मैंने वो लगा दिया, ठीक है, लिखो एक्स को भी जीरो वाई को भी जीरो, जीरो प्लस जीरो इज लेस देन नाइन, ट्रू ट्रू है। तो गाइज इसके इंटरनल शेड होगा, समझ रहे हो, इसका यहाँ शेड होगा इंटरनल में, इधर पूरा का पूरा, क्लियर गाइज, यहाँ पे मेरे पास में आएगा इंक्लूडिंग इसकी बाउंड्रीज। अब गाइज अगर मैं इन दोनों डायग्राम्स को मिला दूं, इसको और इसको दोनों को मिला दूं, तो एक अलग डायग्राम बनेगा, मतलब इन दोनों का डायग्राम एक साथ मिला देते हैं, ठीक है गाइज। मैं दोनों डायग्राम को मिला रहा हूँ, इससे पहले मैं काम कर लेता हूँ, एक वही ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है गाइज, मैं दोनों डायग्राम्स को मिला रहा हूँ, जिसमें ये तीन वाला रेडियस, ठीक है, जिसका रेडियस तीन है, और ये दो वाला, मान लो ये तीन था ना, ये दो, ठीक है जी, समझ लो क्या करा है मैंने, यहाँ पर मैंने ये दोनों ही डायग्राम को मिला दिया है। अब जरा शेडिंग के हिसाब से देखो, याला इंटरनल है याला आउटवर्ड है, इसका मतलब क्या है, दोनों को मिला दोगे तो कौन सा कॉमन आएगा, दिस इज द रीजन ओनली, दैट्स द रीजन, ठीक है बेटा, दैट्स द रीजन ओनली जो यहाँ पे शेड होगा, क्लियर बेटा, ये वाला छोटे वाले सर्कल के बाहर, इन बड़े वाले सर्कल के अंदर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारा डायग्राम शेड हो गया, तो गाइस दिस इज द ग्राफ, समझ रहे हो, कितना इजी हमने वे कर दिया यहाँ पर। तो गाइस आज की क्लास में हम लोग इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में बेटा इससे रिलेटेड कंटिन्यूशन क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर, एंड गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जितना भी मैं आपको करवा रहा हूँ बेटा, प्लीज इन सब क्वेश्चंस को एक बार जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है बेटा। और गाइस हमारे पोर्टल पर आपके यहाँ पर असाइनमेंट्स अपलोडेड हैं, सो प्लीज एक बार आप असाइनमेंट्स को भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर विद द सम मोर न्यू क्वेश्चंस, ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।